सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम जूम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जूम को सेटअप करेंगे और इसके माध्यम से जिस तरीके से हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग सेट करना हो या अगर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी हो तो कैसे ये सारी चीज़ें किए जा सकते हैं जूम के द्वारा, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो आइए इसको शुरुआती तौर से करके देखते हैं। तो अभी हमने जैसे कि बोला, हमें Zoom वेबसाइट इस इंटरफेस में जाके अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम Zoom वेबसाइट में हैं और यहाँ पे हमें साइन अप जहाँ पे लिखा है वहाँ पे जाके अकाउंट बनाना होगा। तो बड़ा ही आसान है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर साइन अप इट्स फ्री लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कुकी एग्री एंड प्रोसीड कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे साइन अप इट्स फ्री जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप साइन अप कर लीजिए। सिर्फ आपको इतना ईमेल आईडी देना होगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, मैं अपना जीमेल वाला ईमेल आईडी दे देता हूँ फिलहाल, सिर्फ उदाहरण के तौर पे कैसे होता है ये सारे चीजें। तो ये जैसे कि मेरा जीमेल आईडी है, तो मैं जैसे इसमें क्लिक करता हूँ साइन अप, तो होता क्या है, ये एक एक्टिवेशन लिंक जो है वो मुझे भेज देता है मेरे ईमेल आईडी पे। ठीक है, यहाँ पे एक ईमेल मेरे आईडी पे चला आएगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि एक ईमेल जो है जूम से आ चुका है और इसमें हमें एक एक्टिवेशन लिंक मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक है। आप या फिर इस यूआरएल को, सॉरी, इस पूरे टेक्स्ट को यूआरएल पे पेस्ट करिए या फिर इस बटन को क्लिक कर दीजिए। जो भी आप करें, आपका जूम अकाउंट जो है बस तैयार हो चुका है। अभी आपको सिर्फ अपने अकाउंट का नाम और पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे आप जैसे अपना नाम और पासवर्ड सेट कर लेंगे। पासवर्ड देते वक्त आपको सिर्फ थोड़ा ख्याल रखना है कि इसमें 8 डिजिट हो, एक अपर केस लोअर केस यानी कैपिटल लेटर और एक लोअर लेटर हो, एक अल्फाबेट एक नंबर, इस तरीके से चीजें हो। और फिर से आपको कंफर्म करना है ये पासवर्ड। और ये करने के बाद बस आपका जूम अकाउंट जो है वो तैयार है। अब देखिए, जूम हम यूज किस लिए करते हैं कि हम मीटिंग्स कर पाए, हम क्लासेस कर पाए, हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करना चाहोगे, लेकिन फिलहाल मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ और सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएशन तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वो कह रहा है कि मेरे पास एक टेस्ट मीटिंग है जो मैं अभी अभी शुरू कर सकता हूँ, लोगों को बुला सकता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 लोग हैं अभी। ऊपर आप देख सकते हैं शेड्यूल अ मीटिंग, ज्वाइन अ मीटिंग, होस्ट अ मीटिंग। होस्ट यानी आप एक मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स को आप इन्वाइट कर रहे हैं जूम में, है ना। तो ये सारी चीजें अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इस अकाउंट में से एक मीटिंग होस्ट करना चाहेंगे, है ना। तो जब भी हम मीटिंग होस्ट करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास उसका पैकेज होना है कि इंस्टॉलर पैकेज। अब मैंने ही इसका इंस्टॉलर पैकेज जो है वो डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं फिर से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल होस्ट अ मीटिंग विथ वीडियो ऑफ, इसका मतलब मेरा वेबकैम ऑफ या वेबकैम ऑन दोनों का ऑप्शन दिया जाता है। तो चलो मैं विथ वीडियो ऑफ करके एक होस्ट अ मीटिंग करता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉलर पैकेज को मैं फिर से लोड करता हूँ। इसको फिलहाल मैं कैंसिल करता हूं और यहां पे डाउनलोड एंड रन जूम। तो ये मेरा इंस्टॉलर पैकेज। और अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, जैसे ऑफिस हो या कोई प्रिंटर हो, आपको हमेशा पता होगा कि इंस्टॉलर से ही आप exe फाइल रन करते हैं। तो इसको पहले हम लोकेशन देख लेते हैं इसका कहां पे, जैसे कि ये लोकेशन है, इसको फिर हमें इंस्टॉलर को रन करना होगा। ये आप देखेंगे कि ये बेसिकली इंस्टॉलर जो है ये फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको जूम मीटिंग का इंस्टॉलर आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट उसका क्रिएट हो जाता है। तो फिलहाल हम उस क्लाइंट पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बस ये हो गया होगा अभी। स्क्रीन में और ये आप देख सकते हैं कि जूम क्लाउड मीटिंग्स इस तरीके से आपके यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। तो आप साइन इन करोगे कैसे, आपके पास जो आपका ईमेल आईडी रहेगा उसको आप यूज करेंगे और आपका पासवर्ड और फिर आप साइन इन कर जाएंगे। तो अभी आप जूम क्लाउड मीटिंग से बेसिकली एक मीटिंग रूम क्रिएट कर रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी आप जूम को जैसे आपने लॉगिन किया है तो आपके पास ये बेसिकली मीटिंग रूम के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जिसमें आप नया मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं या अगर आपके किसी फ्रेंड ने कोई मीटिंग होस्ट किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं या आप सिंपली अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। तो हम आज इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो एक न्यू मीटिंग का है, यानी
जब आप एक नया मीटिंग क्रिएट करते हैं तो आप उसमें आप दूसरों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप उनको लाइक लेक्चर शेयर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम आप न्यू मीटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपका न्यू मीटिंग का स्क्रीन है, और नीचे की तरफ अभी आपका ऑडियो ज्वाइन नहीं है तो आपको ऑडियो ज्वाइन करना है, या फिर आप कंप्यूटर ऑडियो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर कुछ दूसरे ऑडियो डिवाइसेज हैं तो आप इसको यूज़ करके यहाँ से जोड़ सकते हैं। लाइकवाइज अभी आपके पास अगर मान के चलिए इंटीग्रेटेड वेबकैम है सिस्टम का, या फिर आप अपना खुद का लाइक अलग अगर वेबकैम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बंद भी कर सकते हैं, मीटिंग बंद नहीं हो रहा, सिर्फ वेबकैम बंद हो रहा है, और आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। और राइट साइड में आप पार्टिसिपेंट्स के साथ चैट भी कर सकते हैं, और लाइक यहाँ से आप स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम जल्द ही देखेंगे। अब एक चीज़ समझिए कि ये हमारा मीटिंग रूम है जहाँ पे हमें सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है, चाहे वो कॉन्फ्रेंसिंग ही किस लिए क्यों ना हो, या चाहे वो एक ऑनलाइन क्लास ही क्यों डिलीवर करना हो। आई मीन हम कुछ भी कर सकते हैं इस मीटिंग रूम के अंदर। तो अगर सबसे पहले तो हम अपने आप को दिखाएं तो क्या होगा, हम यहाँ से आप देख सकते हो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आपको आपके जो वेबकैम्स है ये ड्रॉप डाउन से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है। तो मेरे पास जैसे लैपटॉप का खुद का वेबकैम है, और मेरे पास एक एक्सटर्नल वेबकैम भी है, तो मैं एक्सटर्नल वेबकैम को जो है क्लिक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट कर देना चाहता हूँ। तो ये फिलहाल मैं आ गया। अगर मान के चलिए कि मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मीटिंग बंद हो गया, इसका सिर्फ ये मतलब है कि मेरा वेबकैम बंद हो रहा है ना। तो ये तो हो गया मेरा वेबकैम के बारे में। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है, म्यूट माई ऑडियो एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑप्शंस में मेरे पास कई सारे ऑप्शंस, अगर मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा वेबकैम का, या फिर माइक्रोफोन, या फिर मेरा सिस्टम का, या फिर मेरा एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो कि मेरे पास है, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास रहते हैं। तो अगर मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ तो ये एक दूसरा ऑप्शन में चला गया, और अगर मान के चलिए कि मैं अपना इसको यूज़ करना चाहता हूँ मतलब मेरा एक्सटर्नल माइक्रोफोन को, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और अनम्यूट भी यहाँ से कर सकते हैं इसको क्लिक करके, और इसको दोबारा क्लिक करने से मेरा आवाज अब पार्टिसिपेंट्स को सुनाई देगा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि फिलहाल इस मीटिंग में आप देख सकते हो कि मैं अकेला पार्टिसिपेंट हूँ और कोई पार्टिसिपेंट्स है नहीं। अगर मान के चलिए आपके ऑफिस में आपको बोला जा रहा है कि आप करिए एक जूम कॉल करिए और 4-5 लोगों को बुलाइए, तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्वाइट करना है ना लोगों को, तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ऑप्शन इन्वाइट, वो आपको यूज करना है। एक ध्यान रखना कि जब भी आप इन्वाइट करते हैं सामने वाले इंसान को सिर्फ दो चीज चाहिए होती है, एक है आपका मीटिंग आईडी और एक है आपका पासवर्ड। तो जब आप क्लिक करते हैं इन्वाइट पे, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको आपके मेल क्लाइंट्स के तरफ प्रॉम्प्ट करता है। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे आउटलुक, जीमेल, याहू, इस तरीके के कुछ मेल क्लाइंट्स हैं, तो अपने आप यहाँ पे पॉपुलेट होंगे। तो एक देख सकते हैं जीमेल, याहू, डिफॉल्ट ईमेल जो भी है, या फिर कॉन्टैक्ट्स। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे जीमेल कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जीमेल में अपने आप मेल कॉम्पोज करके मीटिंग आईडी, पासवर्ड, सारा चीज लेके आ जाएगा। अब ये जो मीटिंग आईडी पासवर्ड है, मैं अगर व्हाट्सएप में किसी को दे देता हूँ तो मेरे इस रूम को जुड़ सकता है। एक्चुअली अब मैं फिलहाल जो इस रूम में हूँ, आप देखोगे मैनेज पार्टिसिपेंट्स करूंगा तो मैं अकेला हूँ, है ना। यहाँ पे नीचे के और पे आप देखोगे ये सारी जो चीजें हैं ना, मैनेज पार्टिसिपेंट, चैट, रिकॉर्ड, ये सारा चीज जैसे आप यूज करोगे तो ये आपका पार्ट उससे पॉपुलेट होता रहता है। अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ। अब मैंने जैसे बोला है कि अगर मेरे को और भी कोई चाहिए पार्टिसिपेंट्स में अदर देन हॉस्ट, तो मैं क्या करूँगा, इन्वाइट करूंगा, है ना। तो जैसे मैंने इन्वाइट किया और फिर मैंने मेल क्लिक किया जीमेल पे, तो क्या ओपन हो जाता है, ये देखिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड। अब ये जो है, मैं अगर मान के चलिए मैं अपने वाइफ को दूंगा अभी थोड़ी देर में, और वो अपना अगर मोबाइल से ओपन करती है ये बेसिकली जूम ऐप जो है, और उसमें अगर वो ज्वाइन करती है कॉन्फ्रेंस कॉल को, तो उसे सिर्फ ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। जैसे ही वो इसको लाइक प्रेस करती है, वो मेरे इस रूम में जुड़ जाएगी और मेरे को यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में वो भी दिखाई देगा। तो फिर मैं उसके साथ लाइक यहाँ पे चैट कर सकता हूँ, उसके साथ सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस शेयर कर सकता हूँ, जो भी चीज़ मुझे शेयर करनी है। सिर्फ वही नहीं, ऐसे में फ्री वर्जन में कम से कम 100 लोगों को कॉन्फ्रेंस में जोड़ सकता हूँ। तो कई सारे कॉर्पोरेट में क्या कर रहे हैं, इन्वाइट करने के बाद वो क्या करते हैं, 100 लोगों को भेज सकते हैं फ्री कॉन्फ्रेंसिंग एन्जॉय करने के लिए। अब इस कॉन्फ्रेंसिंग में कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से अगर मान के चलिए आपको शेयर स्क्रीन करना है तो आप यहाँ से शेयर स्क्रीन कर सकते हो। तो कैसे कैसे आप शेयर स्क्रीन करेंगे, मान के चलिए कि मुझे आज सपोज से इनकम टैक्स दिखाना है लोगों को कि इनकम टैक्स कैसा भरा जाता है या कुछ। तो मैं जैसे कि इनकम टैक्स के वेबसाइट में गया और ये इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेरे लिए एक विंडो है। अभी स्क्रीन पे जितने भी सारी चीज़ें हैं, चाहे PPT हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो सब मेरे लिए बेसिकली एक विंडो ही हो रहा है। तो अगर मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ
तो अभी आप देखेंगे जो मैंने एक ब्राउजर में ओपन कर रखा है वो भी एक विंडो है, उसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये सामने ऐसा पेश आता है, यानी कि इस वक्त मेरे पार्टिसिपेंट्स मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं। और अगर मान के चलिए कि मेरे को इसमें दिखाना है कि लॉगिन कैसे करते हैं या रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, ये स्क्रीन पे जैसे जैसे मैं जो भी कुछ करता हूँ ये सारे विजिबल है फिलहाल मेरे पार्टिसिपेंट्स को। मैं जब चाहूँ मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ शेयर, या फिर मैं इसको पॉज भी करा सकता हूँ। अगर मैं पॉज करता हूँ फिर रिज्यूम करता हूँ तो उसी तरीके से होगा। अब मान के चलिए मैं वापस शेयर मोड में जाता हूँ, पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करना चाहता हूँ या वो मेरे से बात करना चाहते हैं, तो सारे चीज़ें कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ एक ऐसा चीज़ जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्यूटर लोग लाइक क्या करते हैं, पीपीटी फाइल जो है अक्सर शेयर करते हैं। देखिए क्या होता है, आप फाइल जो है आप यहाँ से अपने कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मान के चलिए मेरा एक प्रेजेंटेशन है आज, मान के चलिए मैं पर्सनल फाइनेंस में कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ, तो मैं अपने जैसे पार्टिसिपेंट्स को पहले ये फाइल दे देता हूँ। उसके बाद जैसे पार्टिसिपेंट्स के पास ऑलरेडी ये फाइल पहुंच जा रही है, उसके बाद मेरे को सिंपली ये फाइल को क्लिक ओपन करना है और इसको जैसे कि मैं ओपन करके ये पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये भी एक विंडो ही हुआ, तो अब मेरे लिए अगर ये एक विंडो हुआ तो मैं शेयर स्क्रीन कर सकता हूँ, इस विंडो को ओपन कर सकता हूँ। तो बस मैंने जैसे कि विंडो ओपन कर लिया और प्रेजेंटेशन को लोड कर देता हूँ। अब मैं वन बाई वन इस प्रेजेंटेशन को अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ दोहराते हुए समझा सकता हूँ कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। तो ये उसके बाद अगर मान के चलिए कि मैं ऊपर जस्ट स्क्रॉल करता हूँ तो ये नीचे आप देखो कि स्क्रॉल बॉक्स आ जाता है, मैं पॉज कर सकता हूँ, मैनेज पार्टिसिपेंट्स यहाँ से कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल वापस मैं करता हूँ स्टॉप शेयर और मैं वापस स्क्रीन पर चले जाता हूँ, है ना। तो ये हुआ एक तरीके से लाइक शेयरिंग स्क्रीन। अच्छा अगर मान के चलिए मैं आपको एक जस्ट एक उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि एक मेरे साथ जो मेरी वाइफ है उसको अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में तो कैसी वो जुड़ सकती है ना, उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। आइए, जाहिर सी बात है कि उसको लाइक वही मीटिंग आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, है ना। तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड, तो फिलहाल मैं एक एंड्रॉयड पावर स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ और उसमें से मैं उस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे जो भी आप पार्टिसिपेंट को इनवाइट करोगे उसको आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड देना है, और फिर वो जो पार्टिसिपेंट है वो चाहे मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से दोनों में से वो ज्वाइन कर सकता है। अगर मोबाइल से ज्वाइन करना चाहे तो उसे प्ले स्टोर में जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसमें आपका जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करना होगा। हमने अपने पहले वाले स्क्रीन में आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिखाया था, वही मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। हमारा मीटिंग आईडी जो था वो था 2219757709, सो 2219757709। और ये मीटिंग अभी फिलहाल लाइव है, इस मीटिंग को लाइक मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ और मैं ये जो पासवर्ड है इसमें जो पासवर्ड है मैं शेयर करता हूँ अपने लोगों के साथ व्हाट्सएप में और जो भी। तो पासवर्ड भी मैंने जो था 010796, तो 010796। अब फिलहाल मैं नहीं, मेरी वाइफ इन दोनों चीज़ को करके एंटर करेगी और जब मैं ओके कर देता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ से तो खैर मैं खुद एंटर करूँगा इस मीटिंग रूम को। तो यहाँ पे जूम कह रहा है कि सारी चीज़ें, तो ज्वाइन विथ वीडियो, ज्वाइन विदाउट वीडियो, तो ज्वाइन विथ वीडियो कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल जूम बोल रहा है कि टू यूज ऑडियो ऑल्सो, है ना। तो ये फिलहाल मीटिंग रूम है जहाँ पे मैं बैठा था और मैं अभी यहाँ पे जो है मैं फिलहाल जो पार्टिसिपेंट हूँ। इसी तरीके से और भी पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। तो अब जैसे कि हम दोनों हैं, मैं अभी आपको बहुत जल्द लाइक कंप्यूटर स्क्रीन दिखाऊंगा क्योंकि हम दो पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, अब मेरी वाइफ भी ज्वाइन करेंगी इसको। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा जो है लाइक पार्टिसिपेंट मैंने जो अपने आप को ऐड किया वो एक्चुअली M30S रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था मैं अपना जो ये इन्वाइट है अपने वाइफ को भी भेज चुका हूँ। तो फिलहाल अभी दो पार्टिसिपेंट्स हैं इसलिए यहाँ पे नंबर 2 दिख रहा है। तो मैं यहाँ से चैट भी कर सकता हूँ पार्टिसिपेंट्स के साथ, है ना, चैट बंद कर सकता हूँ, चैट ओपन कर सकता हूँ, पार्टिसिपेंट के साथ प्राइवेटली चैट कर सकता हूँ या सबके साथ चैट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वाइफ भी जो है वो जुड़ चुकी है ना, और फिलहाल उनका सिर्फ वीडियो ही ओपन है, माइक्रोफोन ओपन नहीं है। तो माइक्रोफोन प्लीज ओपन कर दीजिए। हाँ, तो अभी उनका माइक्रोफोन ओपन हो चुका है। हाय टिनी, हाउ आर यू डूइंग? फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन। टाइप समथिंग इफ पॉसिबल। Is there any text box to type there? Okay, but at least you can converse with me. Now, मैं इनके साथ जो है
प्राइवेटली चैट कर सकता हूँ या सबके साथ, जो भी मेरे इस मीटिंग में है सबके साथ चैट कर सकता हूँ। मैं इनको एक फाइल भेज सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से जैसे कि ये फाइल जो है मैं सेंड कर रहा हूँ, तो ये फाइल अब जो है वो जा रहा है और उसको भी एक्सेसिबल है, और अब फिलहाल वो जो है मेरे साथ चैट कर रही है। कैन यू से समथिंग? हेलो, या या, यू आर एबल टू हियर अस राइट? एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर? यस। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट लेट मी नो, यू कैन सी माय फेस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, इज इट? अच्छा, अभी आप देखिए स्क्रीन जो है, स्क्रीन में आपको एक पीपीटी दिखाई देगा। क्या आपको एक पीपीटी दिखाई दे रहा है? वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस, मेरे पिक्चर के जगह पे है ना। अभी जो है बेसिकली मैं एक पीपीटी रन कर रहा हूँ, और एक पीपीटी आपको लाइक मूव होते हुए दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, राइट? राइट। तो इस तरीके से बेसिकली हम ना केवल कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जूम को यूज करते हुए हम पीपीटीज या कोई दूसरा चीज शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखें, यहाँ पे ये जो सेटिंग ऑप्शन है, इसके साथ आप पार्टिसिपेंट का चैट ऑप्शंस भी कंट्रोल कर सकते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है सिर्फ मेरे साथ चैट कर पाए या बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ या किसी के साथ नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। पार्टिसिपेंट अगर चाहे खुद के वीडियो को टर्न ऑफ कर सकता है, माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हैं, आप चाहे तो खुद के माइक्रोफोन को यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, ऐसा करके सिर्फ इसको क्लिक करेंगे म्यूट हो गया, नाउ शी कैन नॉट हियर मी। और ठीक इसी तरीके से आई कैन स्टॉप माई वीडियो, यानी वेबकैम इस तरीके से बंद कर दूंगा। अगर मैं फिर से वेबकैम ऑन करता हूँ तभी वो मुझे देख पाएगी। तो आपके ऊपर है, आप कौन सा माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं, उसको टर्न ऑन करना चाहते हैं, कौन सा वीडियो कैमरा यूज करना चाहते हैं, और क्या आपके कैमरे को ऑन रखना चाहते हैं। और मोबाइल फोन में नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं लाइक अपने स्क्रीन में फिलहाल जैसा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसी तरीके से मोबाइल में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, तो वहां से आप अपने माइक्रोफोन्स को कर सकते हैं। अच्छा, फ्री वर्जन में आप 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ ये कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ मैडम टिन्नी जुड़ी हुई है, उसी तरीके से आप 100 लोगों को अपना मीटिंग आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं। तो ऐसे 100 लोगों को आप देंगे तो आप आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है टिन्नी, थैंक यू। और अभी हम लाइक शेड्यूल वाले कंसेप्ट को समझेंगे। यू कैन लीव द मीटिंग, मीटिंग को लीव करने के लिए सिर्फ यू कैन लीव, यहाँ पे मेरे को जैसे एंड मीटिंग है उसको लीव मीटिंग का ऑप्शन आता है, तो मीटिंग को क्विट कर सकती है ना। तो वो जैसे कि अभी मीटिंग से चली गई, अभी आप देखोगे सिर्फ मैं हूं और मेरे साथ लाइक ये दूसरा पार्टिसिपेंट, हम दो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ठीक है, अभी लाइक मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इस मीटिंग से अब निकल जाता हूँ और आपको दूसरा एक और चीज दिखाता हूँ। तो अभी जैसे कि मैं इस मीटिंग को अगर एंड कर देता हूँ तो ये मीटिंग जैसे कि बंद हो गया है ना। अभी आप एक चीज सोचिए कि आपने अभी मीटिंग की है, लेकिन क्या अगर आपको शेड्यूल करना हो तो अभी हमारा जो ये लॉन्चर है, लॉन्चर से हम यहाँ से भी शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग एक फ्यूचर डेट के लिए, या फिर हमारा जो वेबसाइट था, वेबसाइट में हमारा अकाउंट क्रिएटेड है राइट, साइन इन कर जाते हैं। तो जैसे कि हम अभी साइन इन कर भी चुके हैं हमारे वेबसाइट में, तो यहाँ पे आप देखोगे मीटिंग्स करके एक ऑप्शन है, और मीटिंग्स में अगर आप जाओगे तो शेड्यूल अ न्यू मीटिंग का ऑप्शन है। तो होता क्या है कि आप जैसे अपने किसी बंदे को लाइक मीटिंग आईडी और पासवर्ड देते हो, और डायनेमिकली ना दे के आप पर्सनली भी एक मीटिंग आईडी क्रिएट कर सकते हैं और आपका पासवर्ड, ये हमेशा के लिए रहता है यहाँ पे। और आपको मान के चलिए आज जैसे कि 2 तारीख है और मैं 5 तारीख को कोई एक मीटिंग शेड्यूल करना चाहता हूँ, मुझे ऑफिस के लोगों को मान के चलिए ई ऑफिस सिखाना है, तो मैं जैसे कि शाम के 5 बजे सिखाना है, टॉपिक ई ऑफिस रहेगा, और यहाँ पे जैसे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये जैसे कि अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे अगर कोई आता है और मान के चलिए मैं नहीं आया, तो वो एटलीस्ट मीटिंग रूम में ज्वाइन कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट। पार्टिसिपेंट्स को मतलब माइक्रोफोन को म्यूट करके रखें, इसलिए मैं म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री रखूंगा। इनेबल वेटिंग रूम, जैसे कि बैठे रहे जब तक मैं नहीं आता, और मीटिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, तो लाइक जो भी आपका मीटिंग होता है वो रिकॉर्ड होकर आपके लोकल कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। ये करके मैं सेव कर देता हूँ। तो बेसिकली ये मैं मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैं अपने आउटलुक में, याहू में, गूगल में इसको लाइक शेड्यूल करा सकता हूँ, ऐड करा सकता हूँ, जिससे कि लाइक फ्यूचर में मेरे कैलेंडर में ये रहेगा। और अभी क्योंकि ये मीटिंग ऑलरेडी है और शेड्यूल हो चुका है, तो अगर मैं अपने मीटिंग्स में जाता हूँ तो ये एक एक्शन आइटम जैसा बना हुआ है। तो अब 5 अप्रैल को 5 बजे मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मान के चलिए मैं उसके पहले भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जब भी चाहूँ मैं इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। और मेरे को अब क्या करना होगा, मेरा जो मीटिंग आईडी है, यानी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा मीटिंग आईडी है, मीटिंग आईडी कहाँ गया, ये मेरा मीटिंग आईडी और ये पासवर्ड, ये दो चीज़ मुझे देना होगा अपने लोगों को।
जैसे मैं उनको दे देता हूँ और मैं मीटिंग शुरू करता हूँ, तो उनके लिए वही एक्सपीरियंस रहेगा कि उनको बस वो मीटिंग आईडी और वो पासवर्ड चाहिए और दे कैन ज्वाइन द मीटिंग रूम। हालांकि हमने सारा चीज़ें देख ली हैं जूम एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े चीज़ें और भी हैं। एक जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ज्वाइन ऑडियो, इसका मतलब क्या, माइक्रोफोन आपको ज्वाइन करना है ना। अभी हमारा ऑलरेडी माइक्रोफोन ज्वाइंट है, इसलिए हमें ज्वाइन ऑडियो दोबारा नहीं करना, लेकिन अगर माइक्रोफोन चेंज करना है तो फिर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से अपना एक्सटर्नल माइक्रोफोन ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अपना वेबकैम ओपन करके अपना लॉजिटेक अलग से लाइक यू नो मेरा जो एक्चुअल वेबकैम है मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और फिर मैं यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, उसके बाद मैं जैसे कि अपना इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को, और फिर सारे चीज़ें वैसे ही रहेंगे। जैसे मैनेज पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ से आ जाएंगे, जैसे कि अगर कोई ज्वाइन करता है इस मीटिंग को मीटिंग आईडी और पासवर्ड के साथ तो यहाँ से आ जाएंगे। हम चैट कर सकते हैं उनके साथ, उनको फाइल भेज सकते हैं हमारे कंप्यूटर से या कहीं से भी, और फिर हम शेयर भी कर सकते हैं स्क्रीन। तो अगर मान के चलिए हमारे पास कोई पीपीटी ओपन है तो इस तरीके से हम लाइक पीपीटी शेयर कर सकते हैं, और जब वो देखे स्क्रीन को तो आप बेसिकली इस पीपीटी के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं या जो भी कुछ करना है कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, स्टॉप करके आप इस पूरे सेशन को यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ से भी आप इनवाइट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड क्या है। बेसिकली ये यहाँ से भी आप जॉइंट करके लोगों को भेज सकते हैं। हालांकि जब आप मीटिंग क्रिएट करते हो उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको ये जरूर पता चला होगा कि किस तरीके से जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस कॉल सेट कर सकते हैं या एक लाइव वेबिनार सेट कर सकते हैं, आपके साथ 100 पार्टिसिपेंट जुड़ सकते हैं जिनको आप इकट्ठा लाइक सुन सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ देम अपने माइक्रोफोन को लाइक म्यूट कर दें अनटिल अनलेस उनको बात करना हो। और जैसे लाइक यू नो क्योंकि अगर 100 लोग जुड़ जाते हैं तो काफ़ी बैंडविड्थ कंज्यूम होता है, तो अगर कोई एक बात करता है तो काफ़ी ईजी होता है लाइक यू नो आई मीन प्रोग्राम के लिए भी रिसोर्सेज के लिए भी, तो लाइक काफ़ी आराम से उसकी आवाज़ें विदाउट रिवर्बेशन या इको सुनने में मिलता है। सो आई होप कि दिस ऑल हेल्प्स। हम इस पर एक इंग्लिश ट्यूटोरियल बनाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद है। अगर हाँ तो आप भी इसको यूज़ करिए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करिए और दोस्तों के साथ ये एप्लीकेशन शेयर करिए। आई मीन वी रियली लाइक यूजिंग जूम, आई थिंक इट रियली डज वंडर्स फॉर द काइंड ऑफ थिंग इट डज लाइक कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार्स ऑनलाइन ई ट्यूटोरियल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट वॉज फन यूजिंग दिस। Hopefully this all helps. Thank you so much. God bless. Goodbye.